जून का महीना फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी हैपनिंग रहा। सभी को सलमान खान स्टारर रेस 3 से काफी हाई होप्स थे और फिर 15 दिन बाद रणवीर कपूर स्टारर संजू रिलीज हुई। जैसा कि रेस 3 एक ह्यूज फ्रेंचाइज का हिस्सा थी, सभी को इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस थी। वहीं दूसरी संजू राजकुमार हिरानी की फिल्म थी, जो कॉन्ट्रोवर्शियल बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की लाइफ पर आधारित थी। और अब इन दोनों फिल्म्स की रिलीज के बाद हम लाए हैं 5 ऐसे इंस्टेंसेस जहां रणबीर कपूर की संजू ने सलमान खान की रेस 3 को पीछे छोड़ दिया। सलमान खान की ईद रिलीजेस हमेशा जैम पैक्ड रहती हैं। फिर भी रेस 3 की एडवांस बुकिंग के बाद मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी करीब 40-50% रही। वहीं संजू के मॉर्निंग ही नहीं बल्कि इवनिंग और नाइट शोज भी हाउसफुल रहे। फिर आई बात वर्ड ऑफ माउथ की, जहां रेस 3 को मिली इतनी बुरी पब्लिसिटी कि इसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शंस पर पड़ा। वहीं संजू को मिला वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग कि इस फिल्म ने मानो जैकपॉट ही जीत लिया। दोनों की फिल्म्स में ऑडियंस के पोस्ट रिलीज रिव्यूज काफी कॉन्ट्रास्टिंग रहे। जहां रेस 3 ऑडियंस और क्रिटिक्स को इम्प्रेस करने में नाकाम रही, वहीं संजू की तारीफें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और इससे रणबीर ने अपना मेटल बखूबी प्रूव किया है। सलमान की स्टारडम के होते हुए भी उनकी फिल्म रेस 3 ने ओपनिंग डे पर 29.17 करोड़ कलेक्ट किए। वहीं रणबीर कपूर की संजू ने इस फिल्म को बड़े मार्जिन से क्रॉस करते हुए ओपनिंग डे पर 34.75 करोड़ का कलेक्शन रिकॉर्ड किया। ऐसे में 15 दिनों के अंदर ही रणबीर की फिल्म ने सलमान से हाईएस्ट ओपनर ऑफ 2018 का टाइटल छीन लिया। हालांकि रेस 3 और संजू दोनों ही 3 दिनों के अंदर 100 करोड़ लीग में एंटर कर चुकी हैं, फिर भी 126.34 करोड़ के साथ संजू के ओपनिंग वीकेंड फिगर्स रेस 3 के 116.74 करोड़ से कई ज्यादा हैं। और इसके साथ इस फिल्म ने एसएस राजामौली की बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब बॉक्स ऑफिस के नंबर्स देखने के बाद चलिए देखते हैं कि इन दोनों फिल्म्स का अपने लीडिंग प्रोटैगनिस्ट के करियर पर क्या असर हुआ। रेस 3 ने सलमान के करियर ग्राफ को एक डेंजरस नोट पर पुश कर दिया है और अब उनके फैंस इतने डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्हें अब दबंग 3 में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं रणबीर पिछले 5 सालों से एक भी हिट डिलीवर नहीं कर पाए थे, मगर संजू की रिलीज के बाद उन्होंने अपना मेटल बखूबी प्रूव कर दिया है और अब उनके करियर ग्राफ ने एक नई ऊंचाई छू ली है। तो अब फिल्म संजू के रिलीज के बाद सलमान खान और उनकी फिल्म रेस 3 के 5 घमंड टूट गए हैं। और ये देखकर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं।